डालते हैं शुरू है और मिल बैठकर खाते पीते ही हैं और आनंद उल्लास मनाते हैं। फिर एक दिन गुरुग्रह भी हमें लग गया है इसका, वो अलग बात। हमें अपने जीवन को ज्ञान और भक्ति के रंग में रंगने की आवश्यकता। ज्ञान और भक्ति का रंग यदि सचमुच में चढ़ जाए जीवन पर, तो पूरी जिंदगी हर पर उल्लास के साथ व्यतीत हो जाएगी। सदगुरु कबीर ने कहा है, सदगुरु ने चुनरी रंग दिया मजीठा रंग, धोए से छूटे नाहीं रे दिन दिन होत सुरंग। कविता कहते हैं कि मैं अपनी जीवन रूपी चुनरी को लेकर गुरु के पास गया, तो गुरु ने मेरे जीवन रूपी चुनरी को रंग दिया। कैसे रंग दिया? मजीठा रंग है। मजीठा मजीठ एक लता होती है जिसको बाल करने से करके उसका रंग डाला जाता है और उसका रंग जल्दी छूटता नहीं, पक्का रंग हो जाता है। तो मजीठा रंग मतलब पक्का रंग, जो छूटे ना। तो गुरु ने मेरे जीवन की चुनरी को ज्ञान और भक्ति के रंग में ऐसा रंगा कि अब रंग पक्का हो गया, धोए से छूटे नहीं। अब कितना भी धो तुरंत छूटता नहीं, छूटे रहा है दिन दिन हो तो तुरंत, किंतु तुरंत और गाढ़ा होता चला जा रहा है। जब सही अर्थों में हमें ज्ञान मिल जाता है, जीवन जीने का तरीका मिल जाता है और विनम्रता आ जाती है, दो चीज है आ सकता है जीवन में। भक्ति, भक्ति का अर्थ है विनम्रता। भक्ति का तो लोग मान लेते हैं खाली पूजा करना पाठ करना, वो तो स्थूल रूप है भक्ति का। भक्ति का मुख्य अर्थ है विनम्रता, अपने इष्ट के लिए समर्पण। कहा गया है पूज्य स्मरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग। पूज्य कौन है? जो निर्मल जीवन संत या गुरु है, जो वैराग्यवान है, त्यागी है, वे हमारे लिए पूजनीय है। उनके प्रति अनुराग होना, अनुराग का अर्थ क्या है? हर समय उनकी बात दिमाग में गूंजते रहना। एक अनुराग का अर्थ ले लो, जैसे किसी युवती को पहला बच्चा हुआ हो तो जो भी काम करती है उसका काम करते हुए उसका मन कहाँ रहता है? बच्चे पर रहता है। जब जो भी काम करे, बर्तन मानती, भोजन बनाती, अन्य काम करती है, उसका मन बच्चे पर रहता है। ये अनुराग है जो कभी छूटता नहीं। किसी गाय को बच्चा होता है, गाय भले मैदान में चारा चरती है लेकिन बीच बीच में खड़ी होकर गांव तरफ मुंह देखती है, ध्यान उसका बछड़े पर रहता है। ऐसे ही कुछ अनुराग होने का अर्थ है गुरु ने, जिन्हें हम बड़ा मानते हैं, उन्होंने हमें जो सीख दी है जीवन जीने की, उस सीख का मन में अच्छी तरह से गूंजते रहना, हर समय उसी बात में मन का लगे रहना, यह अनुराग होना। तो ऐसे जो संगुरुजन हैं उनके प्रति विनम्रता का भाव, यह भक्ति है। उनके गुणों को, उनके ज्ञान को याद करते रहना भक्ति है। और फिर जितना भक्ति के ओर बढ़ेंगे, गुरु उपदेश को याद करते रहेंगे, उतना हमारा ज्ञान और पुष्ट होता रहेगा। और ज्ञान पुष्ट होने का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है जिसे जाना गया कि ये गलत है उसको छोड़ देना, और जिसको जान लिया गया कि सही है उस रास्ते पर धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर चलते रहना। तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे तो गलतियों से हटते जाएंगे और अच्छाइयों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम अभी चले पोतियाडीह,
खोजा जी से, हम खोजा जी से जितने दूर होते गए, यहाँ यहाँ ये गांव नजदीक होता चला गया, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से दूर होते जाएंगे, जहाँ जाना है वो नजदीक होते चले जाएंगे। एक जगह हम यहाँ से हटेंगे, यहाँ जाना है, इधर जितनी दूरी होगी ये इधर से निकलता बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही हम जितनी बुराइयों को छोड़ते जाएंगे, अच्छाइयों की तरफ हमारी प्रगति अपने आप होती चली जाएगी, और बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को जीवन में उतार लेना, यही तो रंग है ज्ञान। और फिर ऐसा भी कि जीवन में हर समय होली ही होली है, होलिका दहन लोग करते हैं, तो हमें क्या करना है, ज्ञान की आग में अपनी जो बुराइयां हैं, अपने अंदर के जो कलमश है, जो दुर्गुण है, उनका दहन कर देना है। सोना जब जितना आग में तपता है उतना निखरता है, ऐसे ही ज्ञान जब अपने बुराइयों को जितने ज्ञान के आग में दहन करते जाएंगे, जीवन उतना निखार आता जाएगा। जब जीवन निखार आ गया, कलमश हमारे छूट गए, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, यही करना है। तो ज्ञान और भक्ति का जब रंग जाएगा, तो हर दिन होली हमारे लिए है, मानो हर समय आनंद उल्लास। किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है, वहाँ भी मैं दोहराया कई बार, हम होली को यदि अंग्रेजी में लिखें, अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से, तो HOLI वाई होता है अंग्रेजी में, तो उसका शब्द पवित्र भी होता है, लेकिन HOLI भी होता है। शब्द को निकालोगे तो दिखाई पड़ता है होली हिंदुओं के हाथ में, तो एच का अर्थ हो जाता है हेट, हेट मतलब घृणा, और से मतलब लेना है आउट, घृणा को बाहर, ईर्ष्या भेद के बाहर जो है उसको बाहर कर, और एल और आई, एल से मतलब लव प्रेम, आई से मतलब इन लव इन, हेट आउट लव इन, घृणा बाहर प्रेम भीतर, हर्ष में होली होली है, इतनी बढ़िया होली और कहाँ होगी। घृणा है, ईर्ष्या है, जेल है, बैर है, विरोध है, करता है, तो इसको आउट करते चले जाओ, प्रेम दया क्षमा समता मैत्री भाव को भीतर लेते जाओ, हर समय जीवन में आनंद, हर समय होली है। ये होली जिसके जीवन में आ गया ना, उसको कभी दुख नहीं हो सकता है, यही काम करना है। इस होलिका दहन के अवसर पर अपनी बुराइयों को हम निकालते चले जाएं, अच्छाइयों को दया सभा प्रेम आदि भीतर करते जाएं, और ज्ञान भक्ति के रंग में जीवन को रंग लें, पूरा जीवन आनंद लाते व्यतीत हो जाएगा, यही सत्संग करने के संतोष जुड़ने का फल होता है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना है, होली की सबको शुभकामना।